Hi. मामी, आई एम रियली हैप्पी कि मुंबई में भी अपना एक ओरिजिनल फिल्म फेस्टिवल हर साल इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इतना पॉपुलर होता जा रहा है. एंड आई होप इट बिकम्स एट पार विद ऑल द अदर ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल्स. या कम ना प्लीज. I feel that मुझे लगता है कि एक फिल्म की रिलीज से अगर टेररिज्म ख़त्म हो जाता तो हम बहुत सारी फिल्में पहले भी बैन कर सकते थे. देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स टेररिज्म, लेट्स एड्रेस दैट. शिट, सो सॉरी. वेल डन, यू कैन यूज़ दिस वन. भूकंप. Thanks, Sumit. So as I was saying, अगर हम एक फिल्म की रिलीज से इतना घबराएंगे तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार में विश्वास नहीं? क्या हमारी सरकार इस इशू को हैंडल करने के काबिल नहीं कि हम फिल्मों पे फिल्मों को स्केपगोट बनाएंगे या ब्लेम करेंगे? अगर फिल्म बैन होती है तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान है. No, I'm saying if we are going to keep questioning a film, then what are we really in a position to question our government? Because the government is very capable. They did the surgical strike. They did what they had to. They sent out a clear message. So why focus on a film? What is a film in the larger scheme of things? Haan ji, please is mudde pe tabhi sawal poochhe agar aapko lagta hai ki कि कुछ नई बात आने वाली है, वरना बोर मत करिए. हाँ, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं? अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान की नकल करने की क्या ज़रूरत है? आई होप यू गेट दैट. कैन वी मूव ऑन? मामी की बात करते हैं. अच्छी दोस्त रह चुकी हूँ. मैंने बोला इस इशू पे दो सवाल मैंने जवाब दे दिए आपको, शायद इतना और कोई बोलेगा भी नहीं, इसलिए बोर मत करिए प्लीज. शॉर्ट फिल्म, वो एक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है, मैंने मिलाप के लिए की, तो अभी आ जाएगी कुछ दिनों में. मैंने अभी नहीं देखी है. थ्रिलर है, काफ़ी डार्क है, इतना ही बता सकते हैं. एक प्यारी सी लड़की का किरदार है बस. या थैंक्स फॉर आस्किंग मी मेहर, बिकॉज आई रियली थिंक इट्स अ जीनियस आइडिया टू रिवाइव अ हिस्टोरिक स्ट्रक्चर लाइक द ओपेरा हाउस. I have lived in Bombay for so many years and I hadn't visited it even once. So I think it's a great idea. Thank you.